आज हम लोग साइनोसाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइनोसाइटिस क्या होता है? जो साइनस होते हैं उसमें क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस। मतलब कहीं ना कहीं जो साइनस जो है नोज़ के अंदर जो साइनस प्रेजेंट है उनमें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कोई ना कोई इन्फ्लामेशन को, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस की कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो ये मेनली क्या होता है, देखा है तो कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो एक्यूट मतलब होता है कि जो साइनोसाइटिस की जो कंडीशन है वो क्या है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए रहे, मतलब क्या है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं देखने को मिलती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट साइनोसाइटिस। अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो जो कंडीशन है बहुत बहुत लंबे समय तक चलती है, या उसका जो ड्यूरेशन होता है टाइम वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक साइनोसाइटिस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कि साइनोसाइटिस के क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। तो जो साइनोसाइटिस है वो किसके चलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, नेक्स्ट आपका फंगल, मतलब किसी ना किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं इस तरह से ये कॉज हो सकता है, या कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन की वजह से, मतलब कोई ना कोई ट्रॉमा या एक्सीडेंटल कंडीशन हो गया है, उस कंडीशन में भी हमें ये देखने को मिल सकता है, या कहीं ना कहीं जो एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है उस कंडीशन में भी साइनोसाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो भी है नोज़ में कोई ना कोई इन्फ्लामेशन है, क्या है आपका नोज़ में कोई इन्फ्लामेशन है, उस कंडीशन में भी हो सकता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या हो रखा है, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रखा है, उस कंडीशन में भी हमें ये पेशेंट के अंदर ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, या स्विमिंग, या बहुत ज़्यादा स्विमिंग करते हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये साइनोसाइटिस टोटली ब्लॉक हो जाएंगे और वहाँ पर क्या होगा, एक इन्फ्लामेशन कॉज हो सकता है, या मोस्ट सडनली क्या होना, क्या टेम्परेचर का चेंज होना, अगर कहीं ना कहीं टेम्परेचर सडनली चेंज हो रहा है, एटमोसफेयर का जो टेम्परेचर सडनली क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उस कंडीशन में भी हमें साइनोसाइटिस की कंडीशन कॉज हो सकती है। तो ये कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से साइनोसाइटिस की कंडीशन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर कोई पेशेंट साइनोसाइटिस की कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो हमें उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जब साइनोसाइटिस ब्लॉक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या है, जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है जो स्मेल है उनको वो अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन क्या होगा कि उन्हें कहीं ना कहीं बॉडी में साइनोसिस देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, साइनस में वो प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, या ऑक्सीजन की कमा क्या हो जाएगी, बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी। नेक्स्ट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलेगी, ऐसे लोगों को क्या देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हेडेक, क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो नोज़ है वो कैसी रेडनेस देखने को मिलेगी, वाटरी सीक्रेशन, क्या देखने को मिलेगा, एक वाटरी सीक्रेशन, कंटिन्यू वाटरी सीक्रेशन देखने को मिल सकता है, या कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, नोज़ में कहीं ना कहीं हेमरेज भी हमें देखने को मिल सकता है, कि मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन वैसे वहाँ पर क्या होगा, पस वगैरह भी फॉर्म हो सकता है। देन कहीं ना कहीं जो भी एक्टिविटी है वो क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल देखने को मिलेंगी पेशेंट की। नेक्स्ट उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी क्या हो जाएगा, टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि स्लीपिंग टाइम पर वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली कंफर्टेबली स्लीप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रेट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपरली बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होगा, फटीग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मतलब ये सारी कंडीशन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती हैं, किसकी वजह से, साइनोसाइटिस की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो उस वजह से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अगर कोई पेशेंट साइनोसाइटिस की कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, जिनकी हेल्प से हम पेशेंट की कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हैं और एक प्रॉपर बेसिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जो पेशेंट का जो है फुली हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट हम उसका क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन क्या करेंगे, उसका फुली फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, नीड होने पर उसका क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। नेक्स्ट है राइनोस्कोपी करेंगे, राइनोस्कोपी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नोज़ के अंदर का एग्जामिनेशन कर सकते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से इन्फ्लामेशन स्प्रेड हुआ है और किस तरह से इन्फ्लामेशन ग्रोथ
कर रहा है, तो हम वो कंडीशन का पता लगा सकते हैं। नीड नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं नीड होने पर, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन को हम इजीली और अच्छे से पता लगा सकते हैं, क्योंकि ना कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो रखा है, तो हम सीटी स्कैन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन को अच्छे से और स्टडी कर सकते हैं और उसका प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में अच्छे से, क्योंकि जब ये सारे अच्छे से एग्जामिनेशन करें तो कहना कहेगा कि हमें उसके बारे में मालूम पड़ेगा कि वो किस वजह से कॉज हुआ है और हम उसको एक प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट के हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है वायरल इन्फेक्शन जो भी है उसके बारे में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक प्रॉपर वे से उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिनकी हेल्प से हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, कंडीशन के बारे में अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट, तो हम इसमें क्या क्या मैनेजमेंट देंगे, तो हम इसमें एंटीबायोटिक दे देंगे पेशेंट को, क्या देंगे एंटीबायोटिक, जिससे कि हम इन्फ्लामेशन को क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं। नेक्स्ट एंटी हिस्टामिन्स देंगे, क्या देंगे हिस्टामिन्स, जिससे हम क्या करते हैं एलर्जी को कम कर सकते हैं, क्या करेंगे हम एलर्जी को कम करेंगे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एलर्जिक देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एलर्जिक टाइप का पेशेंट के हमें देखेंगे, तो एलर्जी को कम करेंगे हम क्या देंगे एंटी हिस्टामिन्स देंगे, जिससे हम एलर्जी को क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं। नेक्स्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए क्या देंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। नेक्स्ट अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हम कुछ क्या देंगे उसको एंटीपायरेटिक देंगे, जिससे हम टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेन के लिए हम क्या देंगे एनाल्जेसिक्स देंगे, जिससे हम जो भी पेशेंट का जो पेन हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं। देन उसके जो डाइट्री पैटर्न है उसको इम्प्रूव करेंगे, जिससे हम उसकी कंडीशन को ईजिली क्या कर सकते हैं ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट नीड होने पर उसको हम नेबुलाइजर भी कर सकते हैं, जिससे कि जो भी एरिया क्या हुआ है ऑब्स्ट्रैक्ट हुआ है उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं ओपनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टीम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टीम की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है पेशेंट के अंदर उसको ईजिली क्या कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं और उसके प्रॉब्लम को हम ईजिली क्या कर सकते हैं ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। नीड होने पर हम उसे ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाएंगे, तो हम उसे क्या कर दे सकते हैं ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन उसके लिए हम क्या करेंगे एक नर्सेस क्या करेंगे गुड एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जिससे कि उसे कंफर्टेबली वहाँ पे एडजस्ट हो पाए। नेक्स्ट प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, जिससे कि उसको ब्रीथ करने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। नेक्स्ट क्या करना है उसको एक गुड एंड कम्फर्टेबल पोजिशन प्रोवाइड करना, जिससे कि वो जो भी ब्रीथिंग में जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वो ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और प्रॉपरली ब्रीथ कर सके। और डाइटरी पैटर्न को इम्प्रूव करना है, एक्सरसाइज के लिए बोलना है, जिससे कि हम उसकी क्या कर सकते हैं कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम उसको योगा वगैरह भी करने के लिए एडवाइस करते हैं, जिससे कि हम उसके ब्रीथिंग पैटर्न को क्या कर सकते हैं ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए भी बोलते हैं, जिससे कि जो ब्रीथिंग पैटर्न एबनॉर्मल हो रखा है उसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन को ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में साइनोसाइटिस के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने उसका डेफिनेशन देखा, कॉजेज देखे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में देखा, साथ ही साथ हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखा कि कैसे कैसे हम उसके डायग्नोसिस करें और उस कंडीशन का पता लगाएं, साथ ही साथ हमने उसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।